बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि एक मुल्हिद सवाल करता है डॉक्टर जाकिर नाइक से कि साइंस में कहीं नहीं लिखा कि अल्लाह है, तो इसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कुरान पाक की रोशनी में दे रहे हैं और उस मुल्हिद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी वीडियो अपनी उसी पहली वीडियो का तीसरा हिस्सा है, तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह से इस बात को साबित करते हैं कि कोई तो है जो ये निजामे हस्ती चला रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने महवर पे घूम रहे, दे आर रोटेटिंग? एक गुमनाम साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है, तहकीक करता है और साबित करता है। किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया। क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर, क्या ये 1400 साल पहले साबित हुआ? तो कैसे कह सकता है एक साइंसदान? आपका जवाब साइंटिफिक है? बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। आपका जवाब लॉजिकल भी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, खाली एक मफरूजा है। मफरूजा है, साइंस के असम्पशन में मानता है। इफ द असम्पशन कैन बी प्रूव्ड इट इज राइट अदरवाइज इट इज रॉन्ग। इफ यू हैव द असम्पशन, आप जानते होंगे इसके बारे में। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं आप? उन्होंने जब दुनिया से कहा दुनिया के ये 6 तरीके मेरी थ्योरी को गलत साबित कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी थ्योरी का अगर गलत साबित करना है तो ये 6 काम करो तो मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। इसे कहते हैं जाली टेस्ट, उसको कहते हैं अच्छा साइंसदान। आपके मफरूजे में है कोई जाली जांच पड़ताल? पूरा का पूरा जाली है, टेस्ट ही नहीं है। फर्ज करो 2+2=5, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। मफरूजे की वैल्यू तब होती है जब आप लॉजिक के साथ बात करते हैं। कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है, आपको कुरान को गलत साबित करने का है, एक इख्तिलाफ लिखा रहो। कुरान में से कोई एक तजाद दिखा दो, कुरान साबित करेगा। 1400 साल से ना किसी ने किया ना कोई कभी करेगा। कुरान पाक की सूरत है सूरह बकरा, सूरत नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कि ये कुरान अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और ये चैलेंज है कि आप कुरान में से एक सूरत जैसी पेश करो। इस सूरत जैसी आप पेश करो। कितने लोगों ने कोशिश की, ना कोई कामयाब था ना कभी रहेगा। कितनी जाली जांच पड़ताल है, मेरी तकरीर सुन सकते हैं आप। इसी तरीके से कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है कि जो वाटर साइकिल बना, कुरान में बहुत सारी आयात हैं कि पानी कैसे निकला, कैसे ये बादलों में गया और कैसे ये बारिश बन के बरसा। कई जगह पे कहा गया है कुरान मजीद में, कहा गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 वर्स नंबर 29, इन सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, इन सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स नंबर 22, इट्स मेंशन इन सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, इन सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43, इन सूरह अराफ चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 57। मैं वाटर साइकिल पे बहुत सारे ऐसे हवाला जात दे सकता हूँ। सर बर्नर्ड ने जो 1580 में कहा, कौन कह सकता है इसे, कौन लिख सकता है? कुरान पाक बायोलॉजी के बारे में कहता है कि पौधों में भी मेल और फीमेल जिन्स होती हैं। सूरह रात सूरत नंबर 13 आयत नंबर 3 में, सूरह ताहा सूरत नंबर 20 आयत नंबर 53, ये कौन लिख सकता है? कुरान कहता है कि जानवर एक कम्युनिटी में रहते हैं। सूरह इनाम सूरत नंबर 6 आयत नंबर 38 में कुरान इस कायनात की बढ़ोतरी के हवाले से भी लिखता है। सूरह जारियात सूरत नंबर 51 आयत नंबर 47 में, तो ये किसने लिखा है? कुरान उस समुंदर के बारे में कहता है कि जिसमें अल्लाह ताला ने नमकीन और मीठे पानी को अलग अलग कर दिया है। कुरान पाक बताता है फिंगरप्रिंट के बारे में, जब यकीन ना करने वाला ये कहे कि अल्लाह ताला आखिरत में सबको दोबारा फिर से कैसे पैदा करेगा, कि जब हड्डियां गल सड़ चुकी होंगी और मट्टी बन चुकी होंगी। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ना सिर्फ आपकी दोबारा हड्डियां बना सकता है बल्कि अल्लाह ताला आपकी उंगलियों के पोरों के निशान भी दोबारा बना सकता है। फिंगरप्रिंट का तरीका कार जो है ये 1880 में सबसे पहले सर फ्रांसिस गोल्टन ने मुतारफ कराया था। कुरान ने ये 1400 साल पहले बताया, तो ये किसने लिखा है, तो ये कुरान में कौन लिख सकता है? क्या आप अपना पहला जवाब जानते हैं? पहला जवाब क्या था? पहला जवाब क्या था? एक गुमनाम साइंसदान। नहीं, ये आपने तब्दील किया था। इसके बाद आपने क्या कहा था? कोई साइंसदान? You are forgetting. Do you want me to show your recording? I said it was. No, then I corrected that. Maruti Makar, कौन बोलेगा? आपने क्या कहा?
manufacturer. Manufacturer, creator, maker, inventor. That is the correct answer. वो साइंसदान तहकीक करेगा फिर उसको इजाद करेगा. नंबर दो, तो बनाने वाला भी तो साइंसदान हो सकता है और नहीं भी हो सकता. मैन्युफैक्चरर पहले है, उस पर जिसने तहकीक की वो दूसरा आदमी है. तहकीक करने वाला उसको डिस्कवर कर सकता है, लेकिन सही लफ्ज है बनाने वाला, क्रिएटर, इन्वेंटर, साइंसदान नहीं. बहुत सारे ऐसे गैर साइंसदान है जो आपके ये टेबल चेयर वगैरह बनाते हैं, ये साइंसदान थोड़ी बनाते हैं. कारपेंटर बनाता है तो ये कारपेंटर को पता है कि टेबल चेयर को कैसे रखना है, बराबर ना. एक स्पेशल चेयर जो है वो कारपेंटर ने बनाई है, वो साइंसदान थोड़ी है. ऐसे ही दो पांव वाली कुर्सी वो गिरती नहीं है, वो कारपेंटर है, वो बनाने वाला है. तो ये कुरान भी किसने लिखा? इस कायनात के मैन्युफैक्चरर ने, इन्वेंटर ने, मेकर ने. इस बनाने वाले को, इस मेकर को, इस क्रिएटर को हम अरबी में कहते हैं अल्लाह, इंग्लिश में लोग कहते हैं गॉड. इसीलिए आज की साइंस वो अल्लाह ताला के बारे में रहनुमाई नहीं कर रहे, वो अल्लाह की बनाई हुई निशानियों पर रोशनी डाल रहे हैं. यही वजह है कि एक बड़े मुफक्किर और साइंसदान साइंसेस बेकर ने कहा कि साइंस का बहुत कम इल्म आपको मुल्हिद बनाता है, एथिस्ट बनाता है, और साइंस की ज्यादा तालीम आपको अल्लाह ताला पर यकीन दिलाती है. आज की साइंस अल्लाह ताला के बारे में नहीं बताती है, वो अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में बताती है. ला इलाहा इल्लल्लाह. तो जितनी आप साइंस जानते हैं ये साइंस का बहुत कम इल्म है और ये आपको मुल्हिद बनाता है, और साइंस का ज्यादा इल्म अल्लाह पर यकीन दिलाता है. लेकिन लेकिन आप सोचना शुरू करेंगे, ये चीज खुदा नहीं हो सकती है. और खुदा वो जो जिसको मार दिया जाए, एक ऐसा खुदा जो मर जाए, एक ऐसा खुदा जो दूसरे खुदा से मदद मांगता है, फिर आप कहेंगे कि ये खुदा नहीं हो सकता. ला इलाहा, ला इलाहा, नो गॉड, नो गॉड, बट अल्लाह, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस यूनिवर्स, द इन्वेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स. तो साइंस की मदद से जो जवाब है कि आप साइंस के जरिए से अल्लाह ताला के वजूद को साबित नहीं कर सकते, कुरान की मदद के बगैर, कुरान पाक की मदद से आप साइंसी तौर पर अल्लाह को साबित कर सकते हैं. लेकिन अगर वो सच्चा साइंसदान होगा, और वो जानवर की तरह नहीं है जो झाड़ियों पे ही घूमता रहता है, अगर वो जानवर नहीं है और वो अगर सही तरीके से साइंस का इल्म रखता है, जैसे बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आपने मुझे गलत दिया और मैंने आपकी मदद करने के लिए उससे इत्तफाक भी किया, तो वो शख्स जो साइंस का सही इल्म रखता है तो वो ये बात मानेगा कि एक खुदा है जिसे हम कहते हैं बनाने वाला, बरकरार रखने वाला, जिसे हम बनाने वाला भी कहते हैं, इसे अरबी में कहते हैं अल्लाह. Just a final question. Before the final question, do you agree that the author of this is the inventor, the manufacturer of the creation of the universe? You may not know his name. नाम अहमियत नहीं रखता है. कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, आप उसे पुकार सकते हैं अल्लाह या रहमान. आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, अब जिस नाम से भी पुकारेंगे वो सब के सब बहुत प्यारे नाम हैं. आखिरी सवाल बिल्कुल गलत हो सकता है, मुझे एक सवाल पूछने दे. सवाल पूछना बहुत आसान है, मुत्तफिक होना सही है या गलत है. उस्ताद ने पहले ये नहीं कहा कि ये गलत है या सही है, तीसरे और चौथे पे जा रहे हैं. मैं वो इंसान हूँ जो कम चीजें करने पे यकीन रखता हूँ, लेकिन सही तरीके से. मैं एक साइंसदान हूँ, मैं नहीं जानता कि आप साइंसदान हैं या नहीं है. Not a good scientist, but scientist, but छोटा मोटा है ना. Student of scientist will not be a geologist. हमें 20 चीजों की बजाय एक को सही तरीके से हल कर लेना चाहिए, सही? तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस कुरान के लिखने वाला, क्या वो इस दुनिया का बनाने वाला है, बरकरार रखने वाला है? नहीं, ये मफरूजे का सवाल नहीं है. मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, आप उनके जवाब देते रहे. 2 + 2 = 4, आपने मान लिया. 4 + 2 = 6, You agreed. 6 + 2 = 8, आप ये बात मान लेंगे. मैंने ये नहीं कहा कि आप ये बताओ कि किसने कुरान लिखा, आप उसका नाम नहीं जानते हैं. मैंने नाम से नहीं पूछा है, मैं आपको उस हस्ती के बारे में बता रहा हूँ. नाम अहमियत नहीं रखता है. तो ये आप ये यकीन रखते हैं कि कोई हस्ती है जिसने ये कायनात बनाई, मैं नहीं मानता हूँ कि मानना या ना मानना कोई अहमियत नहीं रखता है. आपने इस बात से इत्तफाक किया, आपने जिस हस्ती का जिक्र किया वो है जिसने इस जमीन व आसमान को, कायनात को बनाया. अगले सवाल पे नहीं जाओ, मैं मुत्तफिक हूँ या नहीं हूँ ये गैर मुतलका है. You said that and I proved with your statement what you call him is secondary. With all due respect, please don't put words in my mouth. You said, didn't you say creator? आपने नहीं कहा कि कोई कार बनाने वाला है, कार के लिए
मैंने आपसे पूछा था जिसके बारे में आप नहीं जानते, फिर आपने मुझे वही जवाब दिया, इजाद करने वाला, बनाने वाला। तो इसका लिखने वाला भी वही है। जब आप कहते हैं कि a प्लस टू इज इक्वल टू फोर, तो a का मतलब है दो। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि ये फोर होता है, लेकिन आपने माना कि a प्लस टू इज इक्वल टू फोर। तो एज अ साइंसदान मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, आपने कहा बराबर है दो के, इसका मतलब है कि आप मैथ्स नहीं जानते हैं, तो इसलिए फिर साइंस पे क्या बात करनी। आपने इत्तफाक किया था कि है कोई जिसने कायनात बनाई, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है बहुत सारे कैमरों पर, मेरा ख्याल है 25 से ज्यादा कैमरे हैं। And you are saying I'm putting words in your mouth. No, you are laying allegation against me, as I'm telling a lie. But am I telling a lie? I'm not saying that. So it is simple. It's simple equation. अगर आप इसमें यकीन नहीं रखते हैं, तो फिर आप साइंस के बारे में क्या बात करेंगे? इसका मतलब है आप साइंस के स्टूडेंट भी नहीं है, साइंसदान तो दूर की बात। आपको मानना पड़ेगा जो आपने कहा। जब आप वापस मुड़ जाते हैं तो आप वक्त जाया कर रहे हैं। अगर आपने गलती की है तो आपको मानना चाहिए कि आपने गलती की है। इत्तफाक करना मतलब मानना, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कुछ साबित किया गया है जो आप नहीं चाहते कि साबित किया जाए। इसका मतलब है कि आप अपने आप में सच्चे नहीं है। अगर आपको जवाब मिल गया है एक ऐसी तकनीक के जरिए जो साइंस इस्तेमाल करती है, तो अगर जवाब इतना आसान है, आप उसे मान नहीं रहे हैं, क्योंकि वो आपके मफरूजे के खिलाफ है। साइंस में अगर कोई तजर्बा आपकी सोच के मुखालिफ जाता है, आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए, सही या गलत। तो आप अपना मफरूजा क्यों बदल रहे हैं? That means you're not a scientist. You can make an assumption, you do experiment. If it matches the assumption, it is right. If it doesn't match, you change your assumption. तो क्या आपने अपना मफरूजा तब्दील किया? क्या आपने अपने मफरूजे को तब्दील किया या नहीं? मैं यकीन रखता हूँ कि इसका बनाने वाला कोई कुदरती ताकत है। आप भूलें उस ताकत को। आपने पहले क्या डिस्कस किया था? पॉइंट नंबर वन, हमें मानना पड़ेगा कि कोई बनाने वाला है, खत्म। ये ऑप्टिक है या फिजिकल, ये कल डिस्कस करेंगे। क्या ये बनाने वाला है या नहीं, आप अगला सवाल मुझसे मत पूछे प्लीज। आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, आप इस चीज का फायदा ना उठाएं। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका वक्त जाया ना करें प्लीज। मैं एक मिनट से पहले इसको खत्म करूंगा। क्या कोई बनाने वाला है या नहीं, आप मानते हैं या नहीं, बाकी कल डिस्कस करेंगे। कल का मतलब कल नहीं, आप लेक्चर 11 बजे के बाद से मेरे कैबिन में आए, वहां बैठ के इसको डिस्कस करेंगे। घंटा, दो घंटे, दस घंटे, मैं जितना चाहे आपको टाइम दूंगा 11 बजे के बाद। इस बनाने वाले को अरबी में क्या कहते हैं, हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। हम मुसलमान अरबी में उसे अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग खुदा कहते हैं। सो अब हमें सही खुदा का पता चला है। पहली तस्वीर हटा दी गई है, सो अब कोई खुदा नहीं है लेकिन अल्लाह। एंड व्हाट इज द मोर डिटेल्स ऑफ अल्लाह, यू कैन सी माय डीवीडीज, आई विल गिव इट टू यू ऑन द कांसेप्ट ऑफ गॉड इन वेरियस रिलीजन, दैट विल गिव यू मोर नॉलेज। एंड माय कैसेट इज द कुरान गॉड्स वर्ड। आई रिक्वेस्ट द वॉलंटियर्स टू गिव माय डीवीडी ऑफ इज द कुरान गॉड्स वर्ड। Then we will discuss more qualities of God after. Hope that answers the question.